नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका व्हाइट ग्रेवी टिंकू जी। भाई लोगों, आज हर बेरोजगार आदमी नौकरी ना होने से परेशान है, पर आपने कभी सोचा है नौकरी ना होने के फायदे ही फायदे हैं? देखो, सबसे पहले आप किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरोगे तो एग्जाम की डेट नहीं आएगी, एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ गया तो बिना पैसे दिए तुम पास नहीं होगे, पास हो गए पसंद का ग्रेड नहीं मिलेगा, ग्रेड मिल गया तो ढंग की जगह पोस्टिंग नहीं होगी। वही प्राइवेट नौकरी ढूंढने जाओगे तो पहले नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिल गई तो ढंग का बॉस नहीं मिलेगा, बॉस ठीक होगा तो लगेगा पैसा नहीं है, पैसे ज्यादा हुए तो लगेगा टैक्स बहुत कटता है, सेविंग के लिए एफडी कराओगे तो लगेगा ज्यादा रिटर्न नहीं है, और रिटर्न के लिए इक्विटी में पैसा लगाओगे तो मार्केट डूब जाएगा तो तुम सड़क पर आ जाओगे, लेकिन सड़क पर तो तुम पहले ही हो, तो फिर क्या करोगे नौकरी ढूंढकर? दूसरी तरफ बेरोजगार होने के फायदे ही फायदे हैं। वेला रहोगे तो दिन भर मोबाइल चलाओगे, ट्विटर पर गाली देने वालों को रीट्वीट दे देकर तुम उन्हें सेलेब बनाओगे, इंस्टा पर क्लीवेज दिखाने वाली लड़कियों की वीडियो लूप में देख देकर उन्हें इन्फ्लुएंसर बना दोगे, इन्फ्लुएंसर बनने के बाद कंपनियां अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए इन्हें पैसा देंगी। इस तरह तुम अपने वेलेपन से बहुत से दूसरे लोगों को रोजगार दे सकोगे, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में तुम्हारा बड़ा योगदान होगा। सोचो जरा, अगर तुम भी बाकी लोगों की तरह दिन भर काम करते तो ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स यूपी के किसी कारखाने में बीड़ी के मंडल पर धागे बांध रहे होते या एमपी के जंगल में कहीं तेंदू पत्ता तोड़ रहे होते। तुम नौकरी करते तो सिर्फ तुम्हारा पेट भरता, आज तुम वेले हो तो न जाने कितने बेरोजगार टिकटॉकियों के घर का चूल्हा जल रहा है। इस तरह दोस्तों बेरोजगार होने के फायदे ही फायदे हैं, न ऑफिस से छुट्टी लेने की चिंता, न घटिया बॉस की टेंशन, न अप्रेजल खराब होने का डर, न इन्वेस्टमेंट डूबने का लफड़ा। बेरोजगार होगे तो मकान खरीदने के झंझट में नहीं पड़ोगे, मकान नहीं होगा तो ईएमआई की टेंशन नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी तो उसकी सर्विस भी नहीं करवानी पड़ेगी, और ना ही पड़ोसी से पार्किंग के लिए झगड़ा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब दे क्लिनिक ते खड़ा आगे, डॉक्टर साहब मैं जो तो सुबह उठता मैं इत्थे बड़ी पीड़ होंदी है, बेटे तू दोपहर ही उठया कर। इसलिए कोई भी सरकार अगर आपको नौकरी नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो आपको इतनी सारी टेंशन नहीं देना चाहती, और इसलिए आपको हमारी सरकारों का शुक्रगुजार होना चाहिए। जय बेरोजगार, जय भारत। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दूसरे कमेंट में आप लोग लिखते हैं कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। मुझे लगा कि आज तक जितने लोगों ने ये कमेंट लिखा है, अगर उतने लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेते तब भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते। मेरे लिए कुछ भी करोगे? हाँ जी। चांद तारे तोड़ लाओगे? हाँ जी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।